सरिया के विवेकानंद चौक स्थित एक विद्यालय में शुक्रवार को गूगल मीट के द्वारा झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस की बैठक हुई। इस दौरान विद्यालय खुलवाने पर चर्चा की गई। बताया गया कि कोरोना काल का दुष्परिणाम दिन ब दिन बच्चों पर पड़ रहा है। निजी स्कूलों के संचालकों और शिक्षकों की स्थिति भी दयनीय हो चुकी है। बैंकों के ऋण का किस्त, गाड़ियों का टैक्स और इंश्योरेंस, बिजली बिल संचालकों पर कहर बरपा रहा है। जिले के हजारों की संख्या में शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे में झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस की ओर से लगातार सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि निजी विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करें, ताकि देश के बच्चों का भविष्य बचाया जा सके। इसके लिए तकरीबन जिले से 8,000 से अधिक पोस्टकार्ड झारखंड सरकार के पास भेजने की बात संघ के द्वारा कही जा रही है। अगर झारखंड सरकार निजी विद्यालय पर सौतेला व्यवहार करती है तो 31 जनवरी को आंदोलन करने को विचार विमर्श कर कड़े आंदोलन करने को ये लोग बाध्य होंगे। बताते चले कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की समझ से परे है और कई बच्चों के पास साधन की कमी हुई है। इससे इनका पठन पाठन बाधित हो चुका है। अभिभावक और बच्चे दोनों इस व्यवस्था से परेशान हैं। मैं अनामिका कुमारी, झारखंड की बेटी, हेमंत अंकल से यह कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल जल्द से जल्द खोल दिए जाए, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके स्कूल में। हम घर में उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पाती है हमारी, जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई लेवल बहुत नीचे हो गया है। ऑनलाइन क्लास में उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है जितने अच्छे से हमारे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लास में अगर कोई डाउट होता है तो वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, जैसे हैंड वॉश, डिस्टेंस मेंटेनिंग, मास्क लगाकर पूरे अच्छे से जाएंगे, तो हमें कोरोना का डर क्यों रहेगा। जल्द से जल्द स्कूल खोलने का प्रयास करें, क्योंकि जो बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास जो होता है, मतलब लिखने का, पढ़ने का क्षमता जो होता है, बोलने का, लिखने का, वो सब लो होते जा रहे हैं सर। इसलिए जल्द से जल्द स्कूल खोलने का प्रयास। आपका तो ऑनलाइन क्लास चल रहा होगा ना? ऑनलाइन क्लास चल तो रहा है, लेकिन उसमें कुछ समझ नहीं।